छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा था उसे पूरा कर लिया है। सरकार ने बीते वर्ष की तुलना में अधिक खरीदी का रिकॉर्ड भी बना लिया है। यही नहीं, सरकार ने इस बार करीब 2.5 लाख अधिक किसानों का पंजीयन कराया और उनसे धान खरीदी की। हालांकि धान खरीदी के दौरान इस बार बेमौसम बारिश भी हुई, इसके बावजूद सरकार ने सफलतापूर्वक धान खरीदी पूरी कराई। धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी से भर गया है। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष बम्पर खरीदी हुई है। राज्य सरकार ने खरीदी की जो व्यवस्था की उसका असर ये हुआ कि लक्ष्य के करीब पंजीकृत किसान खरीदी केंद्रों तक धान लेकर पहुंचे। राज्य सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य अब तक लगभग 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में धान खरीदी के लिए 85 लाख मीट्रिक टन का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश में गत वर्ष समर्थन मूल्य पर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। राज्य सरकार के मुताबिक 85 लाख मीट्रिक टन खरीदी का था अनुमान। 83 लाख मीट्रिक टन धान की हुई अब तक खरीदी। 19,55,000 किसानों का हुआ था पंजीयन। 18,45,000 अधिक किसानों ने बेचा धान। किसानों को अब तक 14,500 करोड़ का भुगतान। बीते वर्ष 80 लाख मीट्रिक टन धान की हुई थी खरीदी। बीते वर्ष 15,71,000 किसानों ने बेचा था धान। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक धान खरीदने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश में इस वर्ष ज्यादा किसानों द्वारा पंजीयन कराने के फलस्वरूप धान बेचने की अवधि को 5 दिन और बढ़ाकर 20 फरवरी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं खरीदी केंद्रों में पहुंचकर किसानों से चर्चा की और धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों की सुविधा के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग के हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी किसानों को मदद दी गई थी। इन सब का ही असर है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का एक नया रिकॉर्ड बना है। छत्तीसगढ़ में राज्य में किसानों से धान खरीदी का जो अनुमान रखा गया था माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, सफलतापूर्वक उसको संपन्न किया गया। अभी तक का जो रिकॉर्ड आया है उसके अनुसार कुल जो किसानों की संख्या थी, पंजीकृत किसानों की संख्या 19,55,000, उसमें से 18,20,832 किसानों ने अपना धान बेचा और जो रिकॉर्ड किया गया है 82,80,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बम्पर धान खरीदी से किसानों की आय में वृद्धि होगी। वहीं प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होने से प्रदेश समृद्ध होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और किसानों की खुशहाली और तरक्की से प्रदेश का विकास जुड़ा है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में धान खरीदी का इसी तरह से रिकॉर्ड बनता रहेगा, किसानों की दशा सुधरती रहेगी। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और राजधानी में